हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता और हम क्वांटम मैकेनिक्स का वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम क्वांटम इफेक्ट डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिनके लिंक दिए हैं आप उन पे भी जाके उनको देख सकते हैं, वो फिजिक्स के नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्वांटम इफेक्ट क्या है। तो क्वांटम इफेक्ट क्या है, ए एच क्वांटम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1921 में ये ऑब्जर्व किया कि अगर हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस को हम स्कैटर्ड कराते हैं तो आफ्टर स्कैटरिंग वी गेट टू टाइप ऑफ टू कंपोनेंट्स मिलते हैं रेडिएशन के। एक में मॉडिफाई रेडिएशन मिलता है, एक हमें अनमॉडिफाई रेडिएशन मिलता है। मॉडिफाई रेडिएशन में जो फ्रिक्वेंसी है वो लोअर होके मिलती है और जो अनमॉडिफाइड रेडिएशन है वो तो सेम ऐसा ही मिलेगा जैसा हमने इंसिडेंट रेडिएशन किया। इन टर्म्स ऑफ जैसा मैंने इसको फ्रिक्वेंसी की टर्म्स में बोला ऐसा हम इसको वेवलेंथ की टर्म्स में भी बोल सकते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन की जगह हम क्या बात कर देंगे, लोअर वेवलेंथ रेडिएशन, और सच एज एक्सरे और गामा रे आर स्कैटर्ड थ्रू सब्सटेंस लाइक कार्बन। तो आफ्टर स्कैटरिंग वी गेट अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड रेडिएशन ऑफ हायर वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें ज्यादा होके मिलेगी मॉडिफाई रेडिएशन में। दिस इफेक्ट इज नोन एज क्वांटम इफेक्ट। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी, फिर इसको हम समझते हैं। तो व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन इज स्कैटर्ड बाय अ सब्सटेंस, द स्कैटर्ड रेडिएशन कंटेन टू टाइप ऑफ वेवलेंथ, वन हैविंग सेम वेवलेंथ एज द इंसिडेंट रेडिएशन व्हाइल अदर हैविंग वेवलेंथ ग्रेटर देन दैट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। दिस इफेक्ट इज नोन एज क्वांटम इफेक्ट। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा सामने डायग्राम है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्कैटर जो स्कैटर कराएगा रेडिएशन को, तो ये स्कैटर्ड फिलहाल हम यहाँ पे जो है फ्री इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ पे रेस्ट में है तो इसलिए इसका मोमेंटम जीरो होगा और इसकी जो एनर्जी है वो एम नॉट सी स्क्वायर होगी रेस्ट मास एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि रेस्ट में है तो जीरो है। अब हमने क्या किया, एक रेडिएशन इस पे इंसिडेंट कराया। जब रेडिएशन इंसिडेंट कराया तो उस रेडिएशन की जो एनर्जी है ई इक्वल टू एच न्यू, और न्यू को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बिफोर स्कैटरिंग और आफ्टर स्कैटरिंग हम क्या कर रहे हैं, सफिक्स में आई लगा दे रहे हैं। ठीक है, मोमेंटम कितना हो जाएगा, पी एच न्यू आई अपॉन सी। तो ये बिफोर स्कैटरिंग इस रेडिएशन का एनर्जी और मोमेंटम है। अब इस रेडिएशन को इंसिडेंट कराया किस पे हमने, फ्री इलेक्ट्रॉन पे। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन से ये कोलाइड करेगा तो अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी गेन करेगा और जो रेस्ट में था ये मूव करने लगेगा, वेलोसिटी एक्वायर करेगा। तो जिसकी वजह से इसके जो मास है वो भी चेंज करेगा। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स लग रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है तो मास चेंज होगा, मास गेन करेगा तो इसकी जो एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी, प्लस मोमेंटम भी होगा इसके पास क्योंकि वेलोसिटी एक्वायर कर लिया। तो मोमेंटम हो जाएगा एम वी और एनर्जी हो जाएगी एम सी स्क्वेयर। ऐसे ही जो हमने इंसिडेंट रेडिएशन इंसिडेंट कराया ये भी डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगा और इसकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी क्योंकि इसने अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर दी। तो इसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो ई एच न्यू एफ, हम इनिशियली और फाइनल में डिफरेंस दिखा रहे हैं कि इनिशियली बिफोर स्कैटरिंग और एफ जो है आफ्टर स्कैटरिंग। और मोमेंटम हो जाएगा पी इक्वल टू एच न्यू एफ अपॉन सी। यहाँ पे देखिए बना के भी दिखा देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हुआ डिफरेंट डायरेक्शन में और वो फोटॉन स्कैटर्ड हुआ। इसका जो डायरेक्शन है वो फाई है, किसका, स्कैटर्ड रेडिएशन का जो डायरेक्शन है वो फाई है, और जो स्कैटर्ड या रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है इसकी डायरेक्शन थीटा है। अब हमारे पास दो केस हो गए, बिफोर स्कैटरिंग और आफ्टर स्कैटरिंग। तो बिफोर कोलिजन हमारे पास दो केस हैं, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन क्या क्या केस हैं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एच न्यू आई, मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन एच न्यू आई अपॉन सी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेस्ट इलेक्ट्रॉन एम नॉट सी स्क्वेयर, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट पी इक्वल टू जीरो रेस्ट में था। अब क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन इसने वेलोसिटी एक्वायर किया, मोमेंटम भी आ गया। तो आफ्टर स्कैटरिंग एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इक्वल टू एच न्यू एफ, मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन पी इक्वल टू एच न्यू एफ अपॉन सी,
एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन ई इक्वल टू एम सी स्क्वेयर एंड मोमेंटम ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन पी इक्वल टू एम वी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे। कंजर्वेशन लॉ किसका लगाएंगे, मोमेंटम और एनर्जी का। तो पहले एनर्जी में कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे, फिर मोमेंटम में कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम बिफोर कोलिजन, एनर्जी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन एनर्जी, सिमिलरली बिफोर कोलिजन मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। बट मोमेंटम आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन अगर हम देखें तो बिफोर कोलिजन जो फोटोन है या इंसिडेंट रेडिएशन है, इसका जो डायरेक्शन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, उसका कोई मोमेंटम नहीं था। बट आफ्टर कोलिजन जो इलेक्ट्रॉन है वो थीटा डायरेक्शन में है, और जबकि जो फोटोन है वो जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो फाई डायरेक्शन में है, तो दोनों के जो मोमेंटम है उनको क्या करना पड़ेगा, आपके कंपोनेंट्स को, इनके कंपोनेंट्स को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम और साथ में परपेंडिकुलर डायरेक्शन मोमेंटम। फिलहाल मैं यहां से मैं इसको रिमूव कर देती हूँ जो एनर्जी, क्योंकि अब तो लिखी हुई है यहाँ पे। तो क्या करेंगे आप, मोमेंटम के कंपोनेंट्स को ब्रेक कर देंगे अलोंग डायरेक्शन और परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो अगर आप बात करें स्कैटर्ड फोटोन की, तो स्कैटर्ड फोटोन का पी एक्स, या इसके सफिक्स में मैं फोटोन भी लिख देती हूँ, तभी तो पता लगेगा। एक्स डायरेक्शन में कितना मोमेंटम हो जाएगा, एच न्यू एफ सी कॉस, और कौन सा आएगा, फाई। जबकि इलेक्ट्रॉन का एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम, मैं फिलहाल सफिक्स में ही लगा रही हूँ, वहां पे हम डायरेक्ट यूज करेंगे, इसे समझाने के लिए आप लोगों को है, ठीक है। एम वी कॉस थीटा, थीटा डायरेक्शन में है, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका क्या हो जाएगा, पी वाई ई, इस डायरेक्शन में एम वी साइन थीटा, और ये हो जाएगा पी वाई फोटोन एच न्यू एफ अपॉन सी साइन फाई। तो अलोंग एक्स एक्सिस तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव साइंस के साथ आएंगे, जबकि वाई डायरेक्शन में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कंपोनेंट्स, तो एक पॉजिटिव लेंगे दूसरा नेगेटिव लेंगे। और बिफोर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन में फोटोन का रेडिएशन का हमारे पास मोमेंटम है, बट इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जीरो है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो दोनों ही जीरो है बिफोर कोलिजन मोमेंटम। चलिए तो हम क्या करते हैं, अब आगे स्टार्ट करते हैं। If v is the velocity of recoil electron, then its relative stick mass, तो m कितना हो जाएगा? m equal to m naught under root 1 minus v square by c square, ये हम value put करेंगे आगे जब हम use करेंगे। तो ये relative stick mechanics से है कि अगर electron rest में था, उसने v velocity acquire किया, तो उसका जो mass है वो m equal to m naught upon under root 1 minus v square by c square हो जाएगा, where m naught क्या है, इसका rest mass है electron का। Now according to the principle of conservation of energy, तो बिफोर कोलिजन एनर्जी सिस्टम की और आफ्टर कोलिजन सिस्टम की एनर्जी, तो बिफोर कोलिजन सिस्टम की एनर्जी कितनी है, फोटोन की एनर्जी एच न्यू आई प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर, फिर आफ्टर कोलिजन फोटोन या रेडिएशन की एनर्जी एच न्यू एफ प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ पे रेडिएशन की एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, फिर रेडिएशन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। अब यहां से हमने एम सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, तो ये एच न्यू इधर लेके चले गए तो माइनस में हो जाएगा, एच कॉमन ले लिया तो एच न्यू आई माइनस न्यू एफ प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्ट यूज किया है, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू आई माइनस न्यू एफ प्लस एम नॉट सी स्क्वायर टू होल स्क्वायर। इस पूरे का हमने होल स्क्वायर किया, होल स्क्वायर किया तो एम सी स्क्वायर का स्क्वायर तो हो जाएगा एम स्क्वायर सी टू पावर फोर। अब इस टर्म में अगर आप ध्यान दें तो इस पूरी टर्म को आप ए की तरह ट्रीट करेंगे, इस पूरी टर्म को बी की तरह ट्रीट करेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। फिर जब a का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आएगा h स्क्वायर
न्यू आई माइनस न्यू एफ टू स्क्वेयर, फिर उसका होल स्क्वायर भी ओपन कर देंगे, तो देखिए क्या टर्म आएगी, एम स्क्वेयर सी टू पावर फोर एच स्क्वेयर न्यू आई स्क्वेयर प्लस न्यू एफ स्क्वेयर माइनस टू न्यू आई न्यू एफ प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी टू पावर फोर प्लस टू ए बी टू एच एम नॉट सी स्क्वेयर न्यू आई माइनस न्यू एफ इक्वेशन वन बोल दिया हमने इसको, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे हमने कंजर्वेशन एनर्जी का अप्लाई किया है, सिमिलरली हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, अलॉन्ग और परपेंडिकुलर डायरेक्शन दोनों पे हम कंजर्वेशन लगाएंगे, अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन लॉ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम बिफोर कुलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कुलिजन, तो बिफोर कुलिजन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने बताया भी था दोनों का जीरो है, इंसिडेंट रेडिएशन का भी मोमेंटम जीरो है और फ्री इलेक्ट्रॉन का भी मोमेंटम जीरो है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम तो अलोंग और परपेंडिकुलर डायरेक्शन दोनों में जीरो है बिफोर कोलिजन, तो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू एच न्यू एफ अपॉन सी साइन फाई माइनस एम वी साइन थीटा, यहाँ से हम एम वी साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन टू। सिमिलरली इन द डायरेक्शन अलोंग द इंसिडेंट रेडिएशन बिफोर कुलिजन मोमेंटम ऑफ फोटोन एच न्यू आई अपॉन सी प्लस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जीरो इक्वल टू एच न्यू एफ अपॉन सी कॉस फाई प्लस एम वी कॉस थीटा, ठीक है क्लियर है। यहाँ से एम वी कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो इक्वेशन टू और थ्री को हम रीअरेंज करेंगे, यहाँ से एम वी साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से एम वी कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। नाउ रीअरेंज इक्वेशन टू एंड थ्री, तो एम वी साइन थीटा आ गया, एम वी कॉस थीटा आ गया। अब क्या करेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे इन इक्वेशंस को और ऐड करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे ऐड करेंगे, तो ये वाली साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वाली अगर आप टर्म ध्यान से देखें तो रिमूव हो जाएगी, और जब इसका स्क्वायर करेंगे ये टर्म तो ऐसी की रहेगी, यहाँ पे फिर दो वैल्यू है ए और बी हो जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन फोर एंड फाइव, एम स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो वन हो गया, यहाँ से एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, न्यू एफ साइन फाई न्यू एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इसका होल स्क्वायर ओपन किया, तो ये आएगा एच स्क्वायर न्यू आई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू एफ स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस टू न्यू आई न्यू एफ एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉस फाई, ठीक है। एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये टर्म ऐसे कैसे रहेगी। इस टर्म में भी अगर ध्यान से देखो तो ये और ये दोनों टर्म को एक साथ लिख सकते हैं, न्यू एफ कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव वन हो जाएगा, तो जो बचा वो लिख लेंगे। रिमेनिंग टर्म्स आर एम स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर न्यू एफ स्क्वायर प्लस न्यू आई स्क्वायर माइनस टू न्यू आई न्यू एफ कॉस फाइव। इक्वेशन सिक्स, सी स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो इक्वेशन वन है और जो इक्वेशन सिक्स है, तो इक्वेशन वन में से इक्वेशन सिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन वन में से सेवन माइनस किया तो टर्म्स लिख लेते हैं, एम स्क्वायर सी टू पावर फोर माइनस एम स्क्वायर न्यू स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे एम स्क्वायर सी स्क्वायर की जो राइट हैंड साइड की टर्म्स थी उसको लिखा, एच स्क्वायर न्यू आई स्क्वायर प्लस न्यू एफ स्क्वायर माइनस टू न्यू आई न्यू एफ प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर फोर प्लस टू एच एम नॉट सी स्क्वायर न्यू आई माइनस न्यू एफ, अब ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देती हूँ, माइनस एच स्क्वायर न्यू आई स्क्वायर प्लस न्यू एफ स्क्वायर माइनस टू न्यू आई न्यू एफ कॉस पाई। अब यहाँ पे देखिए जो जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रहे हैं, और ये वाला टर्म एक जगह ले सकते हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे एच स्क्वायर न्यू टू न्यू आई न्यू एफ कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, तो क्या किया, पहले तो इधर लेफ्ट वाली टर्म लिख ली, एम स्क्वायर सी टू पावर फोर माइनस एम स्क्वायर न्यू स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर टू न्यू आई न्यू एफ कॉस फाई माइनस वन,
ये माइनस माइनस प्लस हो गए यहाँ पे, प्लस जो रिमेनिंग टर्म है एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर फोर प्लस टू एच एम नॉट सी स्क्वायर न्यू आई माइनस न्यू एफ। ठीक है, यहाँ आप ध्यान से देखें तो इन दोनों टर्म में से एम स्क्वायर सी टू पावर फोर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, और बाकी राइट हैंड टर्म ऐसे ही रखेंगे। क्या करना है अब आपको, हमने क्या किया एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, सी टू पावर फोर कॉमन ले लिया, तो वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बचा, और बाकी टर्म हमने सच ऐसे ही लिख दी है एच स्क्वायर टू न्यू आई न्यू एफ कॉस फाइव माइनस वन प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर फोर प्लस टू एच एम नॉट सी स्क्वायर न्यू आई माइनस न्यू एफ। अब हम क्या करेंगे, वेरिएशन ऑफ मास से वैल्यू रखेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ मास क्या होता है, m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई में कर देंगे ये वाली टर्म, तो ये हो जाएगा m अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू m नॉट। तो इस पूरी टर्म की जगह हम m नॉट रख सकते हैं। अगर इस टर्म में आप ध्यान दें तो ये m स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, तो यानी कि m नॉट स्क्वायर हो गया। तो हमने ये वैल्यू पुट कर दिया तो ये आया m नॉट स्क्वायर सी टू पावर फोर एच, बाकी राइट हैंड टर्म पूरी की पूरी हमने ऐसे नोट डाउन कर ली एच स्क्वायर टू न्यू आई न्यू एफ कॉस फाइव माइनस वन प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर फोर प्लस टू एच एम नॉट सी स्क्वायर न्यू आई माइनस न्यू एफ। अगर इसमें ध्यान से देखें तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है, तो हमने कैंसिल कर दिया, और ये वाली टर्म हम लेफ्ट में लेके चले गए। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, या कह लीजिए ये वाली टर्म हम राइट में लेके आ गए, तो ये हो गया टू न्यू टू एच एम नॉट सी स्क्वायर न्यू आई माइनस न्यू एफ इक्वल टू, ये टर्म रिमूव कर दी इधर लिया है, तो माइनस एच स्क्वायर टू न्यू आई न्यू एफ कॉस फाई माइनस वन, ये माइनस अंदर एब्जॉर्व कर लिया तो वन माइनस कॉस फाई हो गया, और जो कैंसिल आउट हो रहा है अब उसको कैंसिल कर देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें टू कैंसिल हो रहा है, एच कैंसिल हो रहा है, और न्यू आई न्यू एफ हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में मूव कर जाएंगे, लेके जाएंगे, तो न्यू आई माइनस न्यू एफ एक सी हमने यही रखा फिलहाल, न्यू आई न्यू एफ इंटू सी इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस पाई। अब इन दोनों को अलग अलग टर्म को अलग अलग कर दिया हमने, तो हो सकता है c न्यू एफ अपॉन c न्यू आई इक्वल टू एच एम नॉट सी वन माइनस कॉस पाई, इस वाली टर्म को जब इसके साथ रखेंगे न्यू आई कैंसिल हो जाएगा, जब इसके साथ रखेंगे तो न्यू एफ कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो c अपॉन न्यू एफ का मतलब लैम्डा एफ, c अपॉन न्यू आई का मतलब लैम्डा आई, तो यानी लैम्डा एफ माइनस लैम्डा आई इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस पाई, c अपॉन न्यू जो है लैम्डा होता है, तो यानी फाइनल वेवलेंथ में से जब इनिशियल वेवलेंथ माइनस करते हैं तो वो इक्वल आती है एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस पाई, यानी जो वेवलेंथ में चेंज है वो किसके बराबर आ रहा है एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस पाई। फाई क्या है, जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसका डायरेक्शन है, तो इसको हम कॉम्पटनशिप बोलते हैं, डेल्टा लैमडा इक्वल टू एच चेंज चेंज इन वेवलेंथ डेल्टा लैमडा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस पाई। तो h प्लैंक कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का मास जो रेस्ट मास है वो भी कांस्टेंट है, तो जो डेल्टा लैम्डा है वो टोटली जो है फाई पे डिपेंड करता है, जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उस पे डिपेंड करता है। दिस एक्सप्रेशन ऑफ वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा इज नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि जो लैम्डा डेल्टा लैम्डा है किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। हियर इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन चेंज इन वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, क्योंकि चेंज आ रहा है उसमें लैम्डा इनिशियली वेवलेंथ क्या है उस पर फर्क नहीं पड़ रहा, उनका डेल्टा लैम्डा किसके बराबर आ रहा है एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस पाई के, एंड डिपेंड्स ओनली द एंगल ऑफ स्कैटरिंग पाई एंड मास ऑफ स्कैटर एम नॉट। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और बॉडी रख दूंगी उसके मास पे भी डिपेंड करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, स्कैटर्ड को चेंज कर दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग डेल्टा लैम्डा चेंज हो जाएगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 10 डेल्टा एफ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज ग्रेटर देन डेल्टा आई,
पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है लैम्डा एफ माइनस लैम्डा आई, है ना, पॉजिटिव है तो मतलब लैम्डा एफ ज्यादा हो रहा है, वेवलेंथ बढ़कर मिल रही है आफ्टर स्कैटरिंग। फाई इक्वल टू जीरो, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू जीरो, फाई अगर हम उस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो डेल्टा लैम्डा जो है फाई कॉस फाई वन होता है, वन माइनस वन जीरो होगा, तो डेल्टा लैम्डा जीरो, तो कॉम्पटन शिफ्ट इज जीरो। इट मीन्स नो स्कैटरिंग अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो जिस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोटोन हमें मिलता है, उस डायरेक्शन में कोई स्कैटरिंग नहीं हो रही है। पाई इक्वल टू पाई बाई टू, तो उस केस में वैल्यू जीरो हो जाएगी कॉस पाई की, तो डेल्टा लैम्डा हो जाएगा एच अपॉन एम नॉट सी, सारे इन सब कॉन्स्टेंट की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा, कैलकुलेट करके देखिएगा। प्लैंक कॉन्स्टेंट है 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8 इक्वल टू 0.0242 एंगस्ट्रॉम, मीटर में आएगा, उसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लिया, ठीक है। दिस क्वांटिटी एच अपॉन एम नॉट सी सी इज नोन एज कॉम्पटन वेवलेंथ, और इसको हम लैम्डा सी से डिनोट करते हैं, इट इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, इलेक्ट्रॉन के केस में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ये कॉन्स्टेंट आएगा। पाई इक्वल टू पाई, तो उस टाइम ट्वाइस हो जाएगा, माइनस वन होता है कॉस पाई की वैल्यू, तो माइनस वन वन माइनस माइनस वन प्लस हो जाएगा टू हो जाएगा, फाई इक्वल टू पाई डेल्टा लैम्डा हो जाएगा टू एच अपॉन एम नॉट सी, और ये क्वांटिटी ट्वाइस हो जाएगी, तो 0.0484 एंगस्ट्रॉम। मैक्सिमम शिफ्ट है ये, ठीक है, इससे ज्यादा शिफ्ट नहीं हो सकती। मैक्सिमम शिफ्ट और वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, hence angle of scattering phi vary from 0 to 180 तक vary करता है। the wavelength of the scattered vary i lambda i2, भी 0 अगर change नहीं हो रहा तो lambda i रहेगी, lambda i2 lambda i plus 2 h m not c। तो next video lecture में हम direction of recoiled electron, जो electron recoiled हो रहा है वो किस direction में recoiled हो रहा है और उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होगी। कॉम्पटन शिफ्ट तक हमने कर लिया है। शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।